यहाँ पे मैं चॉपिंग कर रही हूँ बेल पेपर्स की, और आज मैं बना रही हूँ एकदम स्पेशल रेसिपी। उसके पहले मुझे आप लोग को एक चीज़ बतानी थी कि क्योंकि मैं जब ये चॉप कर रही थी तो मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी, तो मुझे लगा बस मैं आप लोग को भी बताऊँ। तो आप लोग ये प्यारा सा सेटिस्फेक्टिंग वीडियो देखो और साथ में मेरी बातें भी सुनो। तो यहाँ पर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब भी हम कोई खाना बनाएं तो एकदम अच्छे मन से बनाएं, वरना ना बनाएं, क्योंकि हम जो खाना बनाते हैं और जो हम सर्व करते हैं तो वही वाइब्स आपके सामने वाले को जाता है जो खाना खाता है। तो अच्छे मन से बनाएंगे तो उनको भी एकदम अच्छा अच्छा फील होगा। तो गुस्से से या ख़राब मूड से ना बनाएं। इसी बात पे मेरा चॉपिंग ऑलमोस्ट होने आया, तो यहाँ पर मैंने प्याज भी एकदम बारीक कट कर लिए, और नानी को मैं दिखा रही थी, देखो क्या मेरी कारीगरी है, कितना मस्त कट करती हूँ मैं। उसके बाद मैंने ये लिया गार्लिक, और ये पील्ड गार्लिक ऑलरेडी रेडीमेड मार्केट से लेके आई थी, तो अभी इसको फाइनली चॉप कर रही हूँ। देखो देखो मेरी क्या स्टाइल है चॉपिंग की, एकदम मस्त शेफ के लिए रेडी हूँ मैं गाइस। तो एकदम मशीन से भी अच्छा काटा मैंने। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मस्त बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, और जो लोग नए हैं प्लीज डू सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो पता है कि छुट्टियां चल रही है और घर पे भी थोड़ा बोर होता है, तो मन किया कुछ मस्त चटपटा इजी क्विक बनाए। तो बहुत टाइम से ये चीज नहीं बनाई थी, और आप लोग के साथ इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर नहीं की है। वो है रेड सॉस पास्ता, जिसे अरेबियाता पास्ता भी कहा जाता है। तो चलो मेरे साथ और देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। रेड सॉस पास्ता के लिए हमें चाहिए बेल पेपर्स और ग्रीन कैप्सिकम, बॉइल्ड पास्ता। इसको मैंने पानी को मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया था, उसमें थोड़ा सा ऑयल और सॉल्ट ताकि ये चिपके नहीं, और पास्ता को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो प्लीज़ 5 मिनट के अंदर ले लेना, वरना ओवर कुक हो जाएगा, फिर आपको खिचड़ी खानी पड़ेगी। ये है टोमेटो केचप, चीज़, बेसिक इटालियन पास्ता के मसाले, ऑरेगानो, चिली फ्लेक, पिज़्ज़ा मिक्स। ये है वीबा का पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस, आप कोई और ब्रांड का भी ले सकते हो, घर पे भी बना सकते हो, अभी टाइम नहीं है। ये है बॉइल्ड कॉर्न, ऑनियन, फाइनली चॉप गार्लिक, टोमेटो प्यूरी। इसको मैंने पहले से ही बॉयल करके इसकी स्किन निकाल के इसको ग्राइंड कर दिया। तो और ये है रेड चिली सॉस फॉर लिटिल स्पाइस। चलो बनाते हैं रेड सॉस पास्ता मेरे स्टाइल में। पैन में डालेंगे बटर, बटर नहीं है तो आप घी डाल सकते हो, और वो मेल्ट होने के बाद फाइनली चॉप्ड गार्लिक जो मैंने इतना अच्छे से कट किया था, उसके बाद प्याज उसको डाल देंगे, उसके साथ अच्छे से मिला लेंगे। गाइस जो खुशबू आती है बटर में प्याज और गार्लिक की, आहा हा। अब आए थे रंग बिरंगी सब्जियां जो है बेल पेपर्स और ग्रीन कैप्सिकम, इनको थोड़ा कुक होने देंगे, उसमें डालेंगे कॉर्न। कोई भी चीज़ हमें ओवर कुक नहीं करनी है, बस थोड़ा सा सौते हो जाए उतना ही हमें रखना है। अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी, और इसको भी ज़्यादा पकाने की नीड नहीं क्योंकि ऑलरेडी बॉइल्ड है ये, सो ये पक जाएगा। अभी डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस 2 से 3 बड़े चम्मच, अच्छे से मिला लेंगे पिज़्ज़ा सॉस को। अब इसमें डालेंगे टोमेटो केचप अराउंड 3 से 4 बड़े चम्मच, रेड चिली सॉस थोड़ा सा पड़ा था तो वो डाल दिया स्पाइसीनेस के लिए और फ्लेवर भी अच्छा आता है। मेयोनीज अगेन 2 से 3 बड़े चम्मच, आप आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे क्रीमी टेक्स्चर के लिए। इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स फॉर द स्पाइसीनेस, ऑरेगानो फॉर द फ्लेवर, पिज़्ज़ा मिक्स अगेन फॉर द फ्लेवर, ब्लैक पेपर पाउडर, तंदूरी सॉस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पड़ा था तो मुझे लगा मैं ऐड कर दूँ, और ये है चीज़, ओहो इसको मैं बोलती हूँ बर्फ़, बर्फ़ डाल रही हूँ, सफ़ेद बर्फ़। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे, जो मेल्ट होने में मज़ा आता है ना देख के, हाँ। मैंने थोड़ा और चिली फ्लेक्स डाला क्योंकि मुझे लगा स्पाइसी कम था, और ब्लैक पेपर भी थोड़ा वापस डाला। अब वापस मिला लिया मैंने, और इसमें अभी ये पास्ता की बावी आती है। तो यहाँ पे मैंने स्पाइरल लिया है, आप मैक्रोनी, पेने,
स्पेगेटी जो मन करे आप ले सकते हो। अच्छे से मिक्स करेंगे और सॉस की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट, खुशबू तो बाहर से भी अच्छी आ रही थी, मम्मिया। और पास्ता ओवर कुक नहीं था तो एकदम परफेक्ट बनाइए। अभी इसके साथ तो गार्लिक ब्रेड बनता है, तो यहाँ पे मैंने फाइनली चॉप किया था धनिया और मेल्टेड बटर में डाल दिया था गार्लिक की पेस्ट और धनिया को भी यहाँ पे मैं कट कर ली हूँ लोफ को। उसके ऊपर हम अभी लगाएंगे हमारा स्प्रेड बटर और गार्लिक का। एकदम परफेक्ट लगता है ये, ऐसे ही आप बनाना देखो। और ऊपर से कॉर्न फॉर दी टेक्सचर स्वीट, और कॉर्न और गार्लिक ब्रेड का तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। फिर उसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़, नॉर्मल प्रोसेस चीज़, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। अब इसको वही जो मेल्टेड गार्लिक बटर था उसको थोड़ा सा स्प्रेड किया, उसके ऊपर ये गार्लिक ब्रेड रख दिए। अभी ये थोड़ी देर होने के लिए रख देंगे, ऑलमोस्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा पास्ता ऑलमोस्ट एकदम परफेक्टली कुक्ड हो चुका है और सेट हो चुका है। चीज़ उसके ऊपर देख सकते हो मस्त मेल्ट हो चुका है। और मैंने कोरियर डाला और एक अच्छा सा प्लेट लिया, उसमें मैं सर्व कर रही हूँ पास्ता को। बहुत मन कर रहा था गाइस कि मैं कब खाऊँ, एकदम एकदम फ्लेवरफुल बना है। और ये एक ब्रेड मैंने डाल दिया, ऊपर से थोड़ा चिली फ्लेक्स, क्योंकि इतना मैंने कुछ ग्रीन चिली डाला नहीं था गार्लिक ब्रेड में, तो वो डाला। और ऊपर से थोड़ा सा चीज़ फॉर द फाइनल लेयरिंग और द टेक्सचर और द प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा धनिया फॉर द कलर टू लुक इट परफेक्ट रेडी टू ईट। ये था मेरा आज का इजी क्विक रेसिपी। बहुत जल्दी बनता है अगर आपका प्री प्रिपरेशन रेडी हो, यानी कि चॉपिंग, पास्ता बॉइल्ड, कॉर्न बॉइल्ड, बाकी सब तो बस आपको मिक्स करके रेडी करना है। और अगर पास्ता ऑलरेडी बॉइल्ड है तो उसको तुरंत ही आप कुक करके ले लो, बट मुझे और भी सॉसेस डालने थे तो मैंने डाले। इसमें बहुत लोग विनेगर भी डालते हैं, बट अगर आप विनेगर डालते हो तो आप थोड़ा सा चीनी भी डालो बैलेंस करने के लिए। बट ये है मेरा स्टाइल पास्ता का। मैं इसमें एक्चुअली सेजवान चटनी भी डालती हूँ, जी हाँ, बट मेरे घर में फिर ऐसा लगेगा कि चाइनीज बना रही है क्या, बट उसका ऐसा कुछ स्ट्रांग फ्लेवर आता नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा ही डालती हूँ। बट ठीक है, मुझे ऑथेंटिक बनाना था तो मेरा ये स्टाइल है। और इसमें भी हम व्हाइट सॉस बना के उसमें डाल के पिंक सॉस बना सकते हो, बट एनीवेज वो मैं कभी और बनाऊंगी। अभी लगी है तेज भूख, तो जाती हूँ मैं खाती हूँ। आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका ध्यान रखिए, आपके पेरेंट्स का ध्यान रखिए। और जब भी आप मेरे कुछ वीडियोस या कुछ रेसिपीज ट्राई करते हो, अगर आपको पसंद आता है प्लीज कमेंट्स कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि मेरे ऑडियंस मेरे व्लॉग्स देखते हैं, वो पसंद करते हैं। और आप ओपनली मुझे बोल सकते हो, अगर मैं कुछ कहीं गलत जा रही हूँ तो मुझे माफ करना, बट अगर आपको मुझे कुछ भी सजेशन देना है या एडवाइस देनी, आप फ्री हो तो आई विल टेक इट एंड मैं और अच्छा करूंगी। तो हाँ, आपका ध्यान रखिए, आपके पेरेंट्स का ध्यान रखिए, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय गाइस।